किसी भी कंपटीशन में या कॉन्टेस्ट में कौन जीतेगा और कितनी बार जीतेगा, ये चीज़ इस संजू की इस कोटेशन में बहुत क्लियरली डिफाइंड है। इक्वेशन के फॉर्म में हम इसको समझ सकते हैं। वीडियो पॉज करके एक बार इसको रीड कर लें। बेसिकली पिछले 3 साल में जो सिक्योरिटी रिलेटेड जो एनवायरनमेंट है, इनसिक्योरिटी का जो माहौल है, ये थोड़ा ज़्यादा मैग्निफाई हुआ है। मे बी कोविड सिनेरियो के कारण, या फिर जो वॉर रिलेटेड सिनेरियो है, या इकॉनमी रिलेटेड चीज़ें हैं, या उससे ज़्यादा भी, पर चीज़ें काफ़ी पॉपुलर हुई हैं। और उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इस टर्म को एक्सप्लोर करें, सिक्योरिटी मैनेजमेंट को, तो चीज़ें थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दोज हु आर प्लानिंग टू परस्यू दिस एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। तो इस चीज़ को हम अलग अलग कलर्स से इंटरप्रेट कर सकते हैं, खासकर अगर कोई परस्यू करता है इसमें कोर्स, या फिर लेमैन के परस्पेक्टिव से भी इसका इम्पोर्टेंस क्या है थोड़ा समझें। तो उसको समझने के लिए हम अलग अलग कलरफुल थॉट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि किसी चीज़ को किसी चीज़ से प्रोटेक्ट करना और किस तरीके से करना, वो अपना अपना परस्पेक्टिव है। या फिर कुछ और भी रंग बिरंगे थॉट की, नेशनलिस्टिक थॉट की भी, एक देश को बचाना है, बाहर संकट है और सब बहुत पावरफुल होते जा रहे हैं, अलग अलग तरह की थ्रेट्स आ रही हैं। तो इस टाइप के कलरफुल थॉट्स से इस चीज़ को, सिक्योरिटी मैनेजमेंट को एक्सप्लोर करना, एग्जामिन करना, एक दृष्टिकोण है, एक पर्सपेक्टिव है। पर एक इस वीडियो में मैंने एक थर्ड पर्सपेक्टिव, बहुत ऑब्जेक्टिव और लीनियर और क्लियर रखने की कोशिश करिए, जिसमें हम इस चीज़ को समझेंगे। और समझने के लिए अब अगर हम समझना चाहते हैं कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट, इस एकेडमिक डिसिप्लिन का इम्पोर्टेंस क्या है, इससे रिलेटेड हायर एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों है और कितना ब्रॉड है, ये चीज़ समझने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इस इंडस्ट्री का, सिक्योरिटी इंडस्ट्री का फ्यूचर है, और अगर है भी तो किस दिशा में है और क्यों। और वो देखने के लिए सिंपल लेमेन टाइप के क्वेश्चंस की, अगर कोई इसमें इस डिसिप्लिन को पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है, तो कहीं ना कहीं वो शायद किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी बिजनेस यूनिट में, किसी कंपनी में अपनी प्रोडक्टिविटी देखता है या देखती है, राइट। और इस एनालॉजी के बेसिस पे हमने इसको इस वीडियो में समझने की कोशिश करी है। कहीं पे कोई कंक्लूजन वाली बात नहीं है, ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क है, एक दृष्टिकोण है, एक तरीका है सोचने का। तो सबसे पहले देखते हैं, और कोई आंसर नहीं है, क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आंसर्स आप अपने अपने कंक्लूड कर सकते हैं। क्वेश्चंस बहुत पोज किए हैं इस सबसे पहले कि सिक्योरिटी इंडस्ट्री क्या है। तो इंडस्ट्री समझने के लिए पहले समझते हैं कि इकोनॉमी के अंदर, जब भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं, तो वहाँ पे एक टर्म यूज़ करते हैं इंडस्ट्री। जैसे होटल इंडस्ट्री की बात करेंगे, तो होटल इंडस्ट्री में होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड होने वाले जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी होटल चेन्स हैं, छोटे होटल, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज, सब होटल इंडस्ट्री का पार्ट है। सिमिलरली जब हम सिक्योरिटी इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो सिक्योरिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी छोटे बड़े ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज बिजनेस यूनिट्स, ऑर्गेनाइजेशन, सारी चीज़ें इस इंडस्ट्री का पार्ट हैं। तो जब हम ये कहें कि इस इंडस्ट्री का फ्यूचर प्रॉमिसिंग है या नहीं, तो ये कंक्लूड करने से पहले हम दूसरे एनालॉजीज यूज़ करते हैं। आज के टाइम में कोल इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री प्रॉमिसिंग ज़्यादा है या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री प्रॉमिसिंग ज़्यादा है? चीज़ें डेफिनेटली कोई भी चाहेगा कि कोल इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री तो भाई अर्ली 1900 में बहुत प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इनका इम्पोर्टेंस कम हो गया। फिर पेट्रोलियम इंडस्ट्री आई, फिर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस इंडस्ट्री ने रेवोल्यूशन लाया। ये कोल और पेट्रोल इंडस्ट्री तो बहुत पुरानी है। लाइकवाइज सिक्योरिटी इंडस्ट्री रिलेटेड कंक्लूजन भी हम इन्हीं एनालॉजीज से ले सकते हैं। अब फ्यूचर में इससे रिलेटेड कंपनीज का, बिजनेस यूनिट्स का, ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर है या नहीं है, ये डिसाइड करने के लिए पता चलेगा कि ये इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर इकोनॉमी में ये प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, तो इससे रिलेटेड जॉब्स में प्रॉमिसिंग फ्यूचर है। अगर नहीं, तो उल्टा। अगर है, तो उस दिशा में हम अपने आप को, अपनी स्किल्स को, नॉलेज को, प्रोडक्टिविटी की दिशा में बढ़ा के अपने आप को इनके ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनी में प्रोडक्टिव रोल्स पे पहुंच सकते हैं। और नहीं, तो फिर हमें अपनी कितनी भी प्रोफिशिएंसी बढ़ाएं, फ़ायदा नहीं है।
तो इसीलिए हम अपनी प्रोफिशिएंसी अगर किसी भी एकेडमिक डिसिप्लिन में, किसी भी फील्ड में, किसी भी डोमेन में बढ़ाना चाहते हैं, तो इन लॉजिकल फ्रेमवर्क से हम किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी एकेडमिक डिसिप्लिन को समझ सकते हैं। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात आती है कि ठीक है, ये चीज़ तो हमने समझ ली, पर हम अब पूरा एक बार एक ओपन प्रस्पेक्टिव से इस टर्म को समझने की कोशिश करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। और जब भी हमारे दिमाग में, हमारे सामने ये टर्म आती है ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारे सामने कुछ हायरार्कीज, कुछ कोई ऊंचा पद, कोई नीचा पद, कोई रोल्स, अलग अलग टाइप की ये चीज़ समझ में आती है। पर उसको भी हम और ऑब्जेक्टिव तरीके से समझ सकते हैं कि इट्स नॉट जस्ट हायरार्की एंड हायर एंड लोअर, इट इज़ हाउ मच प्रोडक्टिव यू आर। इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन कितनी भी बड़ी और कितनी भी हाई प्रोफाइल हो, लेकिन अभी हम देख रहे हैं, हम पिछले कुछ फ्यूचर कुछ रीसेंट पास्ट में हमने देखा है कि छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का मार्केट सेगमेंट लेके अपनी नया कॉम्पिटिटिव फोर्स तैयार कर रहा है। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, हायरार्की एंड पास्ट बैकलॉग एंड पास्ट इनर्शिया इज़ नॉट गोइंग टू प्ले मच रोल इन द फ्यूचर। व्हाट मैटर्स इज़ हाउ मच स्टैमिना, हाउ मच केपेबिलिटी यू हैव। और उस पर्सपेक्टिव से हम ऑर्गेनाइजेशन को एक बार इस टर्म को थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं, और फिर हमें इसमें से एनालॉजी निकालेंगे कि सिक्योरिटी रिलेटेड फील्ड का, उस डोमेन का, उस एकेडमिक डिसिप्लिन का इम्पोर्टेंस है या नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशन कैसी भी हो, छोटी से लेके बड़ी कैसी भी हो, वो कुछ ना कुछ बेसिक रिसोर्सेज यूज़ करती है, और उसमें अलग अलग टीम्स होती हैं, या छोटी टीम हो, बड़ी हो, वो टीम्स बनती हैं ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। तो बेसिक रिसोर्सेज जो भी ऑर्गेनाइजेशन के हैं, वो कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल एज एन ऑर्गेनाइजेशन, फैमिली एज एन ऑर्गेनाइजेशन, शॉप एज एन ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, कम्युनिटी, और इवन अ बिग एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ नेशन और कंट्री, वो सभी बेसिक रिसोर्सेज, ये बेसिक रिसोर्सेज यूज़ करती हैं, राइट? तो कंपनी का एनवायरमेंट क्या होगा, इंडिविजुअल का एनवायरमेंट क्या, और इनको हम अलग अलग तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। लेट से कोई इंडिविजुअल है, तो उसका सबसे पहला बेसिक रिसोर्स लेट से एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में उसका नेबरहुड, उसकी फैमिली, उस इंडिविजुअल का, उसका जो वो जिन जिन से एसोसिएटेड है, वो उसका एनवायरनमेंट बनाते हैं। लाइकवाइज फैमिली का नेबरहुड, फैमिली के मेम्बर्स, वो सब मिलके उसका एनवायरनमेंट बनाते हैं। शॉप का, उसकी लोकेलिटी, उसका नेबरहुड, कंपनी के लिए मार्केट कंडीशन, लोकल मार्केट कंडीशन, कम्युनिटी के लिए अगेन लाइकवाइज, कंट्री के लिए उसका आसपास का लैंड, सी, उसके नेबर्स हॉस्टाइल हैं या फ्रेंडली हैं, वो सब उसका एनवायरनमेंट बनाएंगे। लाइकवाइज हम सभी बेसिक रिसोर्सेज को ऐसे समझ सकते हैं। लेट्स से इक्विपमेंट या फैसिलिटीज़, तो फैसिलिटीज़ कंट्री के रिलेटेड, उसकी पोर्ट, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब उसकी फैसिलिटी है। कम्युनिटी रिलेटेड, उसके कम्युनिटी में जो स्कूल्स, मार्केट, हॉस्पिटल्स, वो हैं। कंपनी में जो ऑफिस बिल्डिंग्स, स्टोर्स, लॉजिस्टिक्स, वो सब उसकी फैसिलिटीज़ में आ जाता है। लाइकवाइज हम इसको एग्जामिन कर सकते हैं। पर ब्रॉडली जब भी हम टर्म यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो हम ये चीज़ पे बिल्कुल श्योर है कि ये बेसिक रिसोर्सेज उसके ये रहेंगे, और इन बेसिक रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए कंपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपनी छोटी या बड़ी टीम्स के थ्रू कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करती हैं, और ये ऑब्जेक्टिव्स भी एक लॉजिकल कोहरेंट डायरेक्शन दिखाते हैं कि सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है अपने जो भी टीम का ऑब्जेक्टिव है उसको एफिशिएंट तरीके से किया जाए। एफिशिएंसी, देन कम्स स्टेबिलिटी, देन कम्स प्रॉफिटेबिलिटी, देन कम्स ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। तो यहाँ तक हमको चीज़ क्लियर हुई है। और जब ये टीम और ऑब्जेक्टिव्स की हमने बात की है, यहाँ पे एक चीज़ और आती है, एनिमी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशंस रिसोर्स। अब ये एनिमी क्या है, ये राइवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कॉम्पिटिटिव फोर्स नहीं है, दीज आर एनिमीज विच आर इनहेरेंट इन द बेसिक रिसोर्सेज। और ये बेसिक रिसोर्सेज के इनहेरेंट एनिमीज क्या है, एनिमीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर हजार्ड्स एंड थ्रेट्स। These hazards and threats को define करें तो hazard are inherent enemies of the organization। आप suppose जो भी resource, आप और ये hazard ज़रूरी नहीं है, कहीं आपको कोई भी चीज़ समय के साथ साथ वो future में hazardous हो सकती है। It may be a condition or a situation
विच में भी टेंजिबल और इंटेंजिबल, जिसको हम देख सकते हैं शायद छू सके, शायद देख और छू नहीं सकते. फियर को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, राइट. तो और अब लेट से ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी फ्रेमवर्क ऐसा है कि पीपल आर फीलिंग इनसिक्योर टू स्टे इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, दे आर नॉट फीलिंग हैप्पी एंड प्रोडक्टिव एंड फ्री टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, फ्री टू एक्सप्रेस देयर क्रिएटिविटी, देन एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ बेस्ड ऑन क्रिएटिव आइडियाज इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव, राइट. तो हजार्ड मीन्स सिचुएशंस और कंडीशंस विच में बी टेंजिबल और इंटेंजिबल विच पोजेस थ्रेट टू वॉट, थ्रेट टू द बेसिक रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के जो बेसिक रिसोर्सेज हैं उनको थ्रेट प्रोवाइड करने वाले इनहेरेंट एनिमी ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि किसी भी सिचुएशन या किसी भी कंडीशन, जो कंडीशन या सिचुएशन टेंजिबल या इंटेंजिबल हो सकती है, उससे के थ्रू थ्रेट पोज करें, उनको हम हजार्ड कहते हैं. हजार्ड के मोड तीन टाइप के हैं, डॉर्मेंट, पोटेंशियल और एक्टिव. जैसे ज्वालामुखी या वोल्केनो तीन स्टेट्स में रहता है, कि एक डॉर्मेंट है जो कई हजारों सालों से सोया हुआ है, पर वो पता चलता है हमें देखने से कि वो कहीं कभी ना कभी वो एक्टिव रहा होगा. वो वोल्केनो है पर हजारों सालों से बंद है, पिछले 200-300 साल में नहीं पता चला उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हुई. सेकेंड टाइप ऑफ हजार्ड इज पोटेंशियल हजार्ड. पोटेंशियल हजार्ड अगेन पोटेंशियल वोल्केनो की तरह, जो कि हर 5 से 6 साल में एक्टिवेट होता है और पिछले 2-3 साल से एक्टिवेट नहीं हुआ, मतलब अगले 1-2 साल में हो सकता है, पोटेंशियल है उसमें. एक्टिव मीन्स जो एक्टिव है अभी भी, जिसमें अभी भी लावा निकल रहा है. तो लाइकवाइज पोटेंशियल डॉर्मेंट हजार्ड इज, डॉर्मेंट मोड इज नो पर्सन एंड प्रॉपर्टी और एनवायरमेंट इज अफेक्टेड. पोटेंशियल मोड इज इट इज इन अ पोजिशन और अ सिचुएशन टू हार्म पर्सन और डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी. एंड एक्टिव मोड इज इन विच देर इज सर्टेन, देर इट इज द सर्टेनिटी टू कॉज हार्म इज एग्जिस्टिंग. तो ये तीन मोड्स हैं हजार्ड, इन तीन मोड्स में ऑपरेट करता है. और हजार्ड कहाँ कहाँ से आ सकता है उसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एक बार. हजार्ड कैन बी नेचुरल लाइक स्टॉर्म, सुनामी, वोल्केनो, अर्थक्वेक, इट कैन बी नेचुरल. इट कैन बी मैनमेड. मैनमेड किस किस टाइप से? मैनमेड अगेंस्ट प्रॉपर्टी लाइक सैबोटेज, थेफ्ट, रायट, मैनमेड, राइट. हजार्ड मैनमेड हजार्ड अगेंस्ट वन सेल्फ और पर्सन, इट कैन बी एक्सीडेंट, इट कैन बी नेग्लिजेंस, इट कैन बी वायलेशन ऑफ रेगुलेशन. हजार्ड मैनमेड हजार्ड अगेंस्ट पर्सन, इट कैन बी हैरेसमेंट, इट कैन बी असॉल्ट, इट कैन बी रॉबरी, इट कैन बी किडनैपिंग, इट कैन बी मर्डर. वाइट कॉलर क्राइम्स अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ऑल्सो मैनमेड हजार्ड, लाइक फ्रॉड, पायरेसी, हैरेसमेंट, नॉन कंप्लायंसेस, ओमिशन ऑफ ड्यूटीज. सोशल एंड पोलिटिकल हजार्ड ऑल्सो मैनमेड, लाइक एक्टिविज्म, लेबर अनरेस्ट, स्ट्राइक्स, वॉर. एक्टिविटी रिलेटेड हजार्ड, फाइनली द एक्टिविटी रिलेटेड हजार्ड कम्स वेर इन देर इज सम एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व विच मे कॉज सम हजार्डियस सिचुएशंस, लाइक इफ यू आर डीलिंग विद हाई वोल्टेज इक्विपमेंट, एन इक्विपमेंट विच इन्वॉल्व हाई वोल्टेज ऑफ करेंट, और एन इक्विपमेंट विच इन्वॉल्व डीलिंग विद कोरोसिव सब्सटेंस, एसिड्स, राइट. सो दीज आर एक्टिविटी रिलेटेड हजार्ड. जैसे नॉर्मल लाइफ में भी हम कोई पिकनिक या कोई स्काई डाइविंग वगैरह करते हैं, कोई सी में या रिवर में रिवर राफ्टिंग करें, तो उसमें उस एक्टिविटी से रिलेटेड हजार्ड है. तो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ हजार्ड. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, दीज हजार्ड्स पोजेस थ्रेट टू द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. अब दो और टर्म्स समझते हैं, रिस्क और मिसहैप. अब यहाँ पे हम हजार्ड से, हजार्ड और थ्रेट में जब तक थे वी वर इन द मोड ऑफ सेफ्टी, अब हम सिक्योरिटी की दिशा में जा रहे हैं. सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, ओवरलैपिंग है, मिलती जुलती हैं, पर राइट अब हम सिक्योरिटी के डायरेक्शन में जा रहे हैं. सिक्योरिटी रिस्क मीन्स रिस्क आर क्रिएटेड. ये क्रिएट हो रही, वो एग्जिस्ट करती थी, हजार्ड एग्जिस्ट करता था, रिस्क क्रिएट हो रही है. और जो क्रिएट कैसे होती है, जब थ्रेट बढ़ती जाती है. रिस्क आर क्रिएटेड व्हेन डिस्पाइट द थ्रेट
which a hazard poses to the team's resources, the hazardous condition is not changed. Threat बढ़ती जा रही है, लेकिन और threat कौन सी? जो hazard के through, जो team के resources पे जो hazard है, उससे related threat बढ़ती जा रही है, पर hazardous condition अभी तक change नहीं हुई है. आप कोई corrosive substance या petrol या kerosene लेके आप रेगिस्तान में आपका मटेरियल ट्रैवल कर रहा है ट्रांसपोर्ट में, बीच में रायट हो रहा है, बहुत गर्मी है, 50 डिग्री टेम्परेचर है, आपकी गाड़ी की कंडीशन जो आपने ट्रांसपोर्ट में जो व्हीकल भेजा है ट्रक टैंकर उसकी कंडीशन भी थोड़ी थोड़ी मतलब वो 10 साल 20 साल पुराना चला हुआ ट्रक है, उसकी कंडीशन पर भी ज़्यादा श्योरिटी नहीं है, आसपास में रायट भी हो रहे हैं, कंडीशन आपकी थ्रेट की बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी तक कोई मिसहैप हुआ नहीं है. मिसहैप के लिए नेक्स्ट में जाए, जब जैसे ही थ्रेट मिसहैप के बारे में अभी बात करते हैं. अच्छा, रिस्क अलग अलग मीनिंग कनोट करती है अलग अलग सिचुएशंस में. मीनिंग जिस इन्वेस्टर के लिए रिस्क अलग है, इन्वेस्टर किसी जगह पे पैसा डाल रहा है शायद रिटर्न आए नहीं आए. इंश्योरेंस कंपनी के लिए रिस्क अलग है. सिक्योरिटी रिलेटेड परस्पेक्टिव में हम बात करते हैं फिजिकल सिक्योरिटी में या नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड, तो वहाँ पे रिस्क अलग अलग नेचर की है. अभी डोल कहाँ ये तवांग में कुछ हुआ, इट कुड हैव दैट वाज अ रिस्की सिचुएशन. वहाँ पे इंटरनेशनल जो कन्वेंशंस के थ्रू या इंडिया पाक चाइना के एग्रीमेंट्स के थ्रू बुलेट फायर अलाउड नहीं है. टेम्पर में अगर किसी ने बुलेट किसी भी दिशा से ट्रिगर करी होती तो इट कुड हैव क्रिएटेड रिस्क ऑन मल्टीपल डायमेंशंस. सो आई होप रिस्क इज क्लियर. नेक्स्ट कम्स मिसहैप. मिसहैप वो है जहाँ पे इवेंट और आउटकम आफ्टर अ थ्रेट इज रियलाइज्ड व्हेन हजार्ड हैज इंटरैक्टेड विद एन एसेट और टीम्स रिसोर्स एंड इट हैज कॉज्ड लॉस डैमेज इंजरी और कैशुअल्टी. जब थ्रेट रियलाइज हो गई है, हजार्ड इंटरैक्ट हो चुका है टीम के रिसोर्स या टीम के एसेट के साथ में, तो उस इवेंट या आउटकम को जिसके थ्रू लॉस डैमेज इंजरी हो चुकी है उसको हम मिसहैप कहते हैं. तो आई होप ये कुछ चार टर्म्स देखने से हमें थ्रेट के बारे में थोड़ा चीज़ क्लियर हुई है ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज का कॉन्टेक्स्ट में. अभी थ्रेट को डिफ्रेंशिएट करके सिक्योरिटी इंसिडेंट के मिसहैप को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, और यहाँ पर हम सिर्फ दो टर्म पर फोकस करेंगे. ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ये तीन के इसके तीन कॉर्नर्स हैं, हजार्ड टारगेट अपॉर्चुनिटी, तीनों के अगेन तीन कॉम्पोजिशंस हैं. यहाँ पे हम हजार्ड के जो दो कॉम्पोजिशन है कॉज और कैपेबिलिटी, मोटिव और कॉज या कैपेबिलिटी या पोटेंशियल, इन दोनों चीज़ पे फोकस करते हुए टारगेट जो है हमारा जो भी सिक्योरिटी इंसिडेंट रिलेटेड जो टारगेट पॉइंट है उसमें दो टर्म ससेप्टिबिलिटी और वल्नरेबिलिटी इन दो पॉइंट को डिस्कस करते हैं. तो चलिए देखते हैं. ससेप्टिबिलिटी के अंदर ससेप्टिबिलिटी मींस प्रीडिस्पोजिशन टू थ्रेट, जहाँ पे जो मोटिव और कैपेबिलिटी था जो हमने हजार्ड ट्रायंगल में बात करी थी, मोटिव और कैपेबिलिटी ऑफ थ्रेट और हजार्ड गेट रीइंफोर्स्ड. ससेप्टिबिलिटी को सिंपल भाषा में कहें तो एक इंसान जो कि 1,000 करोड़ की कंपनी का मालिक है, तो क्योंकि वो उस 1,000 करोड़ की कंपनी का मालिक है, वो कुछ लेवल के लेट से ब्लैकमेलिंग किडनैपिंग ऐसे इस टाइप के हजार्ड से ससेप्टिबल है, राइट. पर वल्नरेबिलिटी उसमें अभी तक ऐड नहीं हुई. वल्नरेबिलिटी कब हो जाएगी उसकी हम अभी बात करते हैं. लेट्स दूसरा एग्जांपल लेते हैं ससेप्टिबिलिटी का. कोई इंसान जो कि नॉर्मल इंसान है तो अभी तक कोई उससे किस थ्रेट से ज़्यादा ससेप्टिबल नहीं है, पर उसने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के पद को अचीव कर लिया, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के पोजीशन पे पास्ट हिस्ट्री है कि बहुत यूनिक सिचुएशंस हुई थी. प्रीसीडिंग प्राइम मिनिस्टर्स इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ, और कॉन्स्पिरेसी है मुरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर नहीं सॉरी लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड. तो ऐसी चीज़ में ऐसी पोजीशन पे जो भी इंसान पोजीशन होल्ड करता है ही और शी इज ससेप्टेबल टू सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रीडिस्पोजिशन टू थ्रेट, एंड हियर मोटिव एंड कैपेबिलिटी गेट्स रीइंफोर्स्ड कि भाई इस पोजीशन पे ये इंसान है, अदरवाइज वो इंसान ससेप्टेबल नहीं है. लेकिन जैसे ही उसने वो पोजीशन ली है द रीइंफोर्समेंट टू मोटिव एंड कैपेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर थ्रेट एंड हजार्ड स्टार्ट इंक्रीजिंग. ये है ससेप्टिबिलिटी. अब वल्नरेबिलिटी इज अ कंडीशन ऑफ रिसोर्सेज
रिसोर्स बीइंग एक्सपोज टू स्पेसिफिक सिक्योरिटी रिस्क. पर्सन इज होल्डिंग द सीट ऑफ प्राइम मिनिस्टर बट द मोमेंट ही एंटर्स इनटू नेबरिंग कंट्री कॉल्ड पाकिस्तान विच हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ राइवलरी विथ इंडिया एंड देयर व्हेन द पर्सन होल्डिंग द सीट ऑफ प्राइम मिनिस्टर विजिट्स दैट प्लेस अनप्लान्ड विदाउट हैविंग मच ऑफ दोज प्लान्ड प्रोटोकॉल्स एंड फॉलो अप ऑफ ऑल दोज थिंग्स देन द सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर टारगेट इज इंक्रीज्ड. आप समझ रहे हैं, जब बिना प्लान के अचानक विजिट हो जाती है नेबरिंग कंट्री में तो वल्नरेबिलिटी टू स्पेसिफिक सिक्योरिटी रिस्क और हजार्ड गेट्स इंक्रीज्ड. आई होप ये वल्नरेबिलिटी टर्म और ससेप्टिबिलिटी थोड़ी चीज़ क्लियर हुई है. अब इन टर्म्स को हम यूज़ करके अपने मेन क्वेश्चन पे चलते हैं. और मेन क्वेश्चन हमारा क्या था, मेन कॉन्टेक्स्ट क्या था कि हम ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में और इस एकेडमिक डिसिप्लिन के कॉन्टेक्स्ट में हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी है और वो चीज़ क्या ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में आज के टाइम में बढ़ रही है या नहीं. तो एक छोटा सा एग्जांपल, एक कंट्री का थ्रेट अभी तक कंट्री ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में, हमने कंट्री पढ़ा ना, कंट्री कैन ऑल्सो बी अ स्टडीड एज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन. तो एक कंट्री का दुश्मन अभी तक नेबरिंग कंट्री एनिमी कंट्री होता था, बट समवेयर इन 2016 देर वॉज अ स्ट्रेंज सिनेरियो वेर इन फ्यू ऑफ द कंट्रीज बैंड अ कंप्यूटर गेम ऑनलाइन गेम एंड दे साइटेड इट एज अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट. पोकेमॉन गो को सिक्योरिटी थ्रेट मान लिया कई कंट्रीज ने. वट वी आर ट्राइंग टू हाईलाइट इज न्यू सिचुएशंस आर अराइजिंग वेयर इन न्यू टाइप्स ऑफ थ्रेट्स टू द कंपनीज टू द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज टू ऑर्गेनाइजेशन एसेट्स आर बींग रियलाइज. और ऐसी चीज़ें ऐसे सीनैरियो जब देखते हैं समझते हैं तब हमें लगता है कि यस ये कुछ चीज़ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हो रही है कि अभी अचानक, इससे पहले कभी नहीं देखा था कि अचानक टेक्नोलॉजी में जिस लेवल के चेंजेस आ रहे हैं उसके कारण नए ही सिनेरियो क्रिएट हो रहे हैं, नई चीज़, नया टाइप का क्राइम, नए फ्लेवर की ऑर्गेनाइजेशंस और उनसे जो पहले कभी पैरेलल ऐसा हिस्ट्री में देखा नहीं था, वैसी सिचुएशंस और वैसी कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर व्हाटएवर ऑर्गेनाइजेशन दैट यू ज्वाइन, व्हाटएवर बिजनेस यूनिट्स यू आर इनटू, व्हाटएवर इंडस्ट्री यू आर इनटू, किसी भी इंडस्ट्री में हो, आप होटल इंडस्ट्री में हो, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, एग्रीकल्चर रिलेटेड हो, लीगल रिलेटेड हो, सभी जगह पे सिक्योरिटी रिलेटेड है. अब यू मे बी अ लेमन, योर आइडेंटिटी कैन, यू आर ससेप्टेबल टू थेफ्ट ऑफ आइडेंटिटी, राइट. सो ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी में बिकॉज दिस थ्रेट हैज़ परकोलेटेड एट मल्टीपल लेयर्स द फ्यूचर ऑफ, वी कैन अंडरस्टैंड वॉट द फ्यूचर ऑफ सिक्योरिटी इंडस्ट्री एंड वॉट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट एज अ एकेडमिक डिसिप्लिन. अब ये पुराने टाइप वाले ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, अभी ऑर्गेनाइजेशन का नेचर भी कॉम्प्लेक्स. जिन ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी नेक्स्ट थ्रेट को आइडेंटिफाई नहीं किया या ओवरलुक किया, वो चीज़, वो ऑर्गेनाइजेशन अब अचानक, चाहे कैसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़े ब्रांड्स हो, सब उस नए जो चेंज है उस चेंज को समझ के महसूस करके या तो रिएक्ट करो, अदरवाइज द टाइम इज नॉट व्हाट इट यूज्ड टू बी. लाइक अनदर एनालॉजी, अ फ्यू इयर्स बैक वी न्यू दैट द मोस्ट पॉपुलस प्लेस इन द वर्ल्ड वाज, फर्स्ट वाज चाइना देन इंडिया, बट नाउ China is no longer the most populous place. It is Facebook. The way digital platforms have created a new parallel universe, which was unheard of few years back, is a reality now. Now, having said that, what we are trying to say that the world is changing at multiple dimensions, at multiple rates of with multiple rates of change, and because of this. Organizations are facing unique challenges to their resources, and because of this, what will be hazardous for them is something which organization leaders are quite confused to understand, and hence it is important to know the rules. And from that perspective, if we say
that when we study this subject, if we know whether our understanding is good, then it is our friend. If our understanding of the subject is not, then it is not going to be our friend. And based on that, we can predict how many times we are going to win. So what I am trying to say is taking a degree in or higher education in that subject is not what is most important. And what is most important is how much deeply we are able to understand. Even if we are able to understand it with depth, then it's not just having job or having placement or having like, let's say, accolades, but if we are there, then we can also create our own empires. And that is a reality, and that is the way entire economy is going to shift towards.